शादी का चस्का जिसे लग जाए उसका तो कुछ नहीं हो सकता, उसे तो सिर्फ शादी ही शादी दिखती है। रीना के साथ उसकी सहेली मीरा पढ़ा करती थी। कॉलेज में दोनों साथ एडमिशन लेती है, लेकिन फिर भी दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। देख यार, कैसे भी करके स्कूल खत्म हुआ। कैसे करके क्या? मेहनत की है तो खत्म हुआ है। बस यार रीना, ये ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर आ जाए ना तो माँ बाप को कहकर आगे की पढ़ाई के लिए हाँ करवा लूंगी। हे भगवान, मैं तो बस किसी तरह पास हो जाऊँ। कम से कम शादी के लिए लड़के वाले पूछते हैं कितना पढ़ी है, तो ग्रेजुएट तो बोल सकते हैं ना। अरे शादी करके जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? पैसे कमा, ऐश कर। सारा दिन तो पैसे कमाने में निकल जाएंगी, ऐश कब करेंगी? मेरी बात मान, ऐसे लड़के से शादी कर जो पैसे कमाए और तो ऐश करे। सारा दिन घर पर ऐशी ऐश। मीरा रीना को काफी समझाती है कि आखिर खुद के पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है, लेकिन रीना के सर पर तो सिर्फ शादी का ही भूत सवार होता है। रीना, आज जल्दी कॉलेज जाना है, वो हिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास है ना, मैम कुछ परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट बताने वाली है। पागल है क्या? आज तो मैं माँ से बेसन की सब्जी बनाना सीख रही हूँ। वो क्या है ना, ससुराल वाले बोल सकते हैं कि जी लड़की को बेसन की सब्जी बनाना आता है कि नहीं। और परीक्षा में फेल हो गई तो? और ससुराल वालों के सामने बेसन की सब्जी ना बना पाई तो? रीना, तू अपना वक्त बर्बाद कर रही है। तभी तो नहीं जा रही हूँ कॉलेज कि मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। मीरा पढ़ाई करती, वही रीना घर के काम। लेकिन एक दिन, ये क्या है मीरा, सारा दिन किताबों में घुसी रहती है, कोई फायदा नहीं। तेरी शादी करवा देंगे हम तेरा ग्रेजुएशन खत्म होते ही। हाँ मीरा, माँ सही बोल रही है, क्यों वक्त बर्बाद कर रही है, शादी तो करनी है ना बेटा। वही तो। ये क्या है पापा, आपने तो वादा किया है ना कि मैं फर्स्ट डिविजन आ गई तो आप लोग मुझे पढ़ाएंगे। हाँ बेटा, पर पैसे कहाँ है, तेरी शादी भी तो करानी है ना हमें, या तो पैसा शादी में लगा दे या फिर पढ़ाई में। मीरा अपने पिता को असहाय देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन पढ़ाई की आदत तो मीरा के साथ ही रहती है। वो परेशान सी हो जाती है कि अरे देख गीता में क्या लिखा है कि तुम कर्म करो फल की इच्छा किए बगैर, क्योंकि वो ऊपर वाला भगवान है ना, वो सबकी मनोकामना पूरी करता है, समझी। सच्चे प्रयास कभी खाली नहीं जाते बेटा। माँ की बात मीरा को समझ में आ जाती है, वो भी सोच लेती है कि कल जो होगा वो देखा जाएगा, फिलहाल तो पढ़ना ही है। वहीं दूसरी तरफ रीना के घर में रीना के पिता, ये क्या है रीना, क्या औरतों की तरह किचन में घुसी रहती हो, और ये घर के काम करने को कौन कहता है इसे? कौन क्या, खुद ही पता नहीं कैसे कैसे व्यवहार करती है। कल तो मुझे माँ जी कर रही थी, मैंने कहा मैं माँ हूँ तेरी, तो कहने लगी वो ससुराल जाएगी तो कैसे रहेगी, इसकी प्रैक्टिस कर रही है। बोल दो रीना को साफ साफ, जब तक पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं जाती मैं शादी नहीं करूँगा इसकी। अरे पैसे जितने लग जाए सो लग जाए, लेकिन ऐसी घरेलू लड़की नहीं बनाना है मुझे इसे। सही बोल रहे हैं जी, कल किसने देखा। अरे खुद के अंदर इतनी तो काबिलियत रखो कि कमा कर खा सको कम से कम। कैसी उठपटंग बात कर रही हो माँ, कौन माँ चाहती है कि बेटी सारा दिन बाहर जाकर काम करे और रात को घर का काम करे। अरे नहीं नहीं माँ, तू तो बस पैसे वाले घर में ना मेरी शादी करा दे, और कुछ नहीं चाहिए। कैसी सोच है तुम्हारी, अरे खुद के पैसों की अकड़ी कुछ और होती है, रुतबा नाम होना चाहिए समाज में। नहीं ना पापा, मुझे कोई नाम वाम नहीं चाहिए, आप तो बस मेरी शादी करा दे। अब क्या था, एक तरफ रीना के माता पिता जो उसे पढ़ाना चाहते थे लेकिन रीना शादी करना चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ मीरा के माता पिता जो पैसे की कमी के कारण उसकी शादी कराना चाहते थे लेकिन मीरा पढ़ना चाहती थी। फिर एक रोज, बेटा तुम्हारी ग्रेजुएशन खत्म हो रही है तो हम लोगों ने तुम्हारे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ रीना अपने माता पिता को, मम्मी पापा देखिए ना, मेरी ग्रेजुएशन बस खत्म ही होने को है, आप लोग लड़का देखना शुरू कर दीजिए ना। हाँ नहीं तो बता दे रही हूँ मैं, आगे की पढ़ाई तो करने से रही मैं।
माता पिता परेशान हो जाते हैं, लेकिन करते तो क्या करते, मान जाते हैं। फिर वो वक्त भी आ जाता है कि दोनों के घरों में उन्हें लड़के वाले देखने आते हैं। मीरा के घर जो लड़का आता है। तो आपने इतनी जल्दी शादी करने की क्यों सोची? मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन माँ पापा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। उधर रीमा के घर जो लड़का आता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अभी और पढ़ना चाहिए? शादी के लिए अभी बहुत जल्दी है। शादी के लिए जल्दी कैसे? ग्रेजुएशन पूरी की है मैंने। वैसे क्या आप अपनी बीवी की कमाई खाने के फिराक में हैं? अरे कैसी बात कर रही हो, पढ़ाई सिर्फ कमाई के लिए नहीं बल्कि समाज को सुधारने के लिए भी होती है। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये बोलकर लड़का वहां से चला जाता है। वहीं मीरा जो शादी नहीं करना चाहती थी। अगर मैं आपको शादी के बाद पढ़ने में मदद कर दूं तो क्या आप शादी करने को तैयार हैं? मीरा लड़की को हाँ कर देती है। एक ही महीने में कॉलेज के रिजल्ट आ जाते हैं और मीरा टॉप कर जाती है। पापा मम्मी, मुझे आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है, अब मैं आगे फ्री में पढ़ सकती हूँ। वहीं रीमा फेल हो जाती है। अरे मेरी फूटी किस्मत, पता नहीं कब मैं ग्रेजुएट होंगी और कब मेरी शादी होगी। दूसरी तरफ मीरा की शादी जिस लड़के से तय होती है, वो मीरा के घर आता है। लड़का मीरा को मिठाई का डिब्बा देकर, वो क्या है कि अब तो तुम शादी करोगी नहीं, शायद मैं तुम्हें पढ़ने में मदद कर रहा था इसीलिए तुमने शादी को हाँ की थी, लेकिन तुम जैसी होनहार लड़की को पढ़ने के लिए शादी करने की जरूरत भी नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, शादी करके भी मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। अच्छी सोच हर किसी की नहीं होती है। मीरा की शादी होने वाली होती है। वो कार्ड लेकर रीमा के घर जाती है। क्या बात है मीरा, तुम तो शादी नहीं करना चाहती थी ना, तुमको तो आगे पढ़ना था। हाँ आंटी, मुझे ऐसा लड़का मिला है जिसे मेरे आगे पढ़ने से कोई परेशानी नहीं है। वैसे रीना की शादी में देर क्यों हो रही है, वो तो शादी ही करना चाहती थी। क्योंकि मुझे कोई ऐसा लड़का नहीं मिल रहा है जिसे मेरे ना पढ़ने से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखा, किसे क्या कब मिल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता।